लगता है कि आज जो आए हैं बात सोचन में यहाँ पर हर गांव से हर शहर से बड़ी से बड़ी सुंदर से सुंदर झांकी आती है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। अभी तो आप मंदिर के अंदर दर्शन कर लीजिए सतगुरु महाराज जी के। तो दोस्तों, कपाल मोचन हरियाणा में यमुनानगर जिले के एक छोटे से कस्बे बिलासपुर के पास पड़ता है। कपाल मोचन एक धार्मिक स्थल है और यहाँ पर सतगुरु महाराज जी का बहुत बड़ा मंदिर है। जन्म दिन के बाद एक हफ्ते बाद यहाँ पर बहुत बड़ा मेला लगता है और सुंदर सुंदर झांकियाँ यहाँ पर आती हैं। दोस्तों, आज हम आपको वीडियो के माध्यम से सारी वीडियो दिखाएंगे और कपाल मोचन के आपको शेयर कराएंगे, तो वीडियो को अंत तक बने रहिएगा। साथ ही यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों, जो लोग नए जुड़े हैं वो भी सब्सक्राइब कर लेना। अभी तो यहाँ पर बहुत ही कम भीड़ हुई है और हम सुबह ही आ गए थे और दूसरी तरफ गांव मारवा खुर्द से डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कमेटी के मेंबर्स ने यहाँ पर लंगर का आयोजन किया हुआ है। चाय पानी और हलवे का, जो भी गाड़ी कपाल मोचन की तरफ चल रही है ये उनकी सेवा कर रहे हैं, सेवादार लगे हुए हैं। अभी तो हम आए हैं मंदिर के बाहर और मंदिर में अभी भी बहुत काम चल रहा है। बहुत बड़ा मंदिर बनेगा जैसे कि आप देख ही रहे होंगे। और ये इधर हॉल है, इसके एक अंडरग्राउंड भी हॉल है और लंगर हॉल है। और हम वीडियो के अंदर आपको एक कुआं दिखाएंगे जो कि हजारों साल से जो है जमीन के नीचे दबा हुआ था और उसके नीचे से मतलब कुएं के अंदर है पानी भी निकला हुआ है। और यहाँ पर जो जितनी भी संगतें हैं और पानी वहाँ से पीते हैं और जो भी कुएं के अंदर जो पानी होता है जैसे कि मंदिर में कार्य करने के लिए और वहीं से इसको यूज किया जा रहा है, तो हम आपको वीडियो के अंदर दिखाएंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखें दोस्तों, वीडियो के साथ बने रहिएगा, बहुत ही मज़ा आने वाला है। आप कपाल मोचन में घूम रहे हो ये सोच कर कि आप कपाल मोचन के मेले में आए हो। और बहुत ही सुंदर शब्दों में लिखा हुआ है हरी हरी का निशान, कोई कोई यहाँ पर समझ पा रहा है जैसे कि आप देख रहे हो, क्योंकि ये पंजाबी में लिखा हुआ है। तो अब हम जो यहाँ पर मेन यहाँ पर जहाँ पर प्रोग्राम हो रहा था वहाँ पर आ चुके हैं और इसके नीचे भी यहाँ पर अंडरग्राउंड है और ये काफ़ी बड़ा हॉल है, तो आप देख लेना, वीडियो को अंत तक बने रहिएगा। और ये बाबा निर्मल दास जी का डेरा बोला जाता है यहाँ पर, लेकिन पहले भी संत रह चुके हैं, तो अभी तो ये निर्मल दास जी के हाथों में दिया हुआ है गद्दी जो तो भी है। आगे हम आपको दिखाएंगे एक छोटे से शब्दों में मतलब एक भजन, सुंदर भजन जिसका नाम है किशनपुरा से भाई राजेश कुमार जी का आपको भजन दिखाएंगे। बहुत ही सुंदर आवाज में उन्होंने साची प्रीत हम तुम संग जोड़ी वो वाला भजन चल रहा है, तो चलिए वीडियो तो का आनंद लीजिए दोस्तों। साची प्रीत हम तुम संग जोड़ी, तुम संग जोड़ी अमर संग तोड़ी, साची प्रीत हम तुम संग जोड़ी, तुम संग जोड़ी अमर संग तोड़ी, साची प्रीत जो तुम संग जोड़ी, हम तुम संग जोड़े, तुम संग जो तो दोस्तों आप मुझे कमेंट में बताइए कि आपको भाई राजेश कुमार जी के ये दो शब्द कैसे लगे। तो चलिए अब आपको ले चलते हैं उस पवित्र कुएं की तरफ जो हजारों साल जो है जमीन के नीचे दबी मिली थी। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये अंडरग्राउंड हॉल है और उसके अंदर जो है एक कुआं है और कुएं के पास जो है नल भी लगा हुआ है जो कि पानी पीने के लिए यूज किया जाता है। और यहाँ पर कुछ मूर्ति भी रखी हुई है यहाँ पर बाबा जी की, और नीचे जो है पानी है। मैं डर रहा था कि काफ़ी
गहरा है और कभी फ़ोन ना नीचे गिर जाए, तो वीडियो का आनंद लीजिए। इसमें से जो भी पानी पीता है उसका कुछ भी कष्ट होता है वो सब ख़त्म हो जाता है। ये उनकी यहाँ पे की जो है मान्यता है। और आप देख सकते हो कि बाहर का नज़ारा कुछ इस तरह है और भीड़ जो है लगातार बढ़ती जा रही है। दिन जैसे जैसे ऊपर बढ़ता जा रहा है और भीड़ जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ती जा रही है। और अब हम जो है आपको झांकी की कुछ आपको झलक दिखाएंगे। अब हम चलते हैं पुरातत्व विभाग के अंदर। यहाँ पर गुरु गोविंद सिंह जी के कुछ अभिलेख मिले थे जो कि खुदाई में निकले हुए थे बहुत ही पहले के, जबकि गुरु गोविंद सिंह जी थे। अब हम अंदर की तरफ चल रहे हैं। सबसे पहले ही स्वागतम कक्ष है और आप वीडियो के माध्यम से देख लेना, यहाँ पर सब कुछ लिखा हुआ है, हिंदी में भी पंजाबी में भी। आप पॉज कर लेना वीडियो को। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर देना और वीडियो में अंत तक बने रहना ताकि आपको कुछ सीखने को मिले आपको।
तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको पुरातत्व विभाग के अंदर सारी चीज़ें दिखाई हैं और अभिलेख दिखाए हैं, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी की सारी चीज़ें अच्छी लगी होंगी और आपको कुछ सीखने को भी मिला होगा। और ये पुरातत्व विभाग जो है काफ़ी बड़े एरिया में फैला हुआ है और इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी आपको, बच्चों खेलने के मैदान और दंगल लड़ने की कुश्तियाँ भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो फिलहाल हम इसके अंदर देखने के लिए ही आए थे जो कि हमने वीडियो के अंदर आपको दिखाया है पुरातत्व विभाग के अंदर। तो एक बार कपाल मोचन के अंदर आइए, तो आगे हम गुरुद्वारा साहिब के अंदर जाते हैं जो कि कपाल मोचन का सबसे सुंदर स्थान है और पवित्र स्थान है। ये बहुत ही बड़ा गुरुद्वारा है और यहाँ पर घूमने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं, पंजाब तक यहाँ पर लोग घूमने के लिए आते हैं। तो आप भी आइए दोस्तों और यहाँ पर घूमिए और हमें कमेंट में बताइए कि आपको यहाँ का कपाल मोचन में कैसा लगा। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को आगे बढ़ाइए और अपना प्यार ऐसे ही दीजिए ताकि हम ऐसे ही बने रहें, आपको ऐसे ही घुमाते रहें। आपके लिए नई नई वीडियो लेकर के आएंगे अपने यूट्यूब चैनल पर। और जैसे कि आप देख रहे हैं कपाल मोचन एक पवित्र स्थान है, आप यहाँ पर किसी भी धर्म का मंदिर के अंदर जा सकते हैं बिना किसी रोक टोक के, आप किसी भी तरह से आप यहाँ पर घूम सकते हैं। आप ये घूमने का स्थान है, बहुत अच्छा स्थान है, जिला यमुनानगर के अंदर बिलासपुर के पास कपाल मोचन ये पड़ता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही,